अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर की बटन है उसको दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें। ये बिल्कुल ही फ्री है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं नेचुरल टिप्स एंड रिव्यू। दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से मेरे पास ऐसी कमेंट आ रही थी कि कोई भी एक क्रीम बताओ या फिर कोई भी होम रेमेडी बताओ जो तिल हैं यानी कि जिनको मूस भी बोलते हैं तो वो रिमूव हो सकें या कम हो सकें। देखिए, ये जो तेल होते हैं यानी कि मोल्स होते हैं, ये आपकी स्किन की बाहरी लेयर पर नहीं होते हैं, ये आपके हार्मोन इम्बेलेंस के कारण भी हो सकते हैं और भी कई कारण होते हैं, मैं आपको बताऊंगी। तो ये आपकी स्किन के अंदर से होते हैं। तो मैं ये बता देती हूँ, ये बाहरी अगर आप कोई भी क्रीम लगाते हैं, बाहरी कोई भी होम रेमेडी करते हैं तो उनसे ठीक नहीं होते हैं। तो प्लीज़ बार बार ये सवाल मत करो, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही कुछ भी बता दूंगी और आप यूज़ करोगे, आपको इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा तो आपको भी दुख होगा। क्योंकि अगर हम आप ये सोच सकते हैं, अगर कोई भी छोटा सा स्पॉट हो जाता है स्किन पर तो उस पर हम कुछ भी यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट भी तभी तक रहता है जब तक हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर वो बहुत ही कम होता है तो ठीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा गहरा होता है तो जब हम किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद कर देते हैं तो वो फिर से हो जाता है, क्योंकि वो आपके अंदर से होता है, अंदर स्किन के अंदर से होता है। लेकिन अगर कोई भी तिल है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है, तो वो कैसे रिमूव हो जाएगा किसी भी क्रीम से या किसी भी होम रेमेडी से। आप अगर यूट्यूब पर डालोगे ना तिल को हटाने के लिए कोई भी बेस्ट क्रीम या होम रेमेडी, आपको हज़ारों यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगी। लहसुन से हटा लो, प्याज के रस से हटा लो, या अदरक के रस से हटा लो, बेकिंग सोडा से हटा लो, या फिर सिरका से हटा लो। तो ये जो भी सारी चीज़ें बताते हैं आप, ये जो होम रेमेडी होती है आपकी स्किन को वहाँ से जला देती हैं। जलाने की वजह से हो सकता है कुछ लोगों को उन तिलों में कुछ फर्क दिखता हो, लेकिन वहाँ से आपकी स्किन जल जाती है। अगर एक तिल है आपकी स्किन पर वो इतना बुरा नहीं लगेगा जितना फिर वहाँ से आपकी स्किन जल चुकी है। तिल में कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा और वहाँ से जो आपकी स्किन जल चुकी है तो वो और ज़्यादा ख़राब लगेगी। तो प्लीज़ ऐसी होम रेमेडी को ना आजमाएं, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, ये आपकी स्किन के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती हैं। ये सारी चीज़ें स्किन पर यूज़ ही नहीं करनी चाहिए। और क्रीम की बात करें तो क्रीम ऐसी कोई भी नहीं है, और आगे मुझे पता चलेगी कोई भी ऐसी जो सच में ही तिलों पर काम करे तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर बताऊँगी। लेकिन ये वीडियो मैंने सिर्फ इस पर्पज से बनाई है क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रही थी तिल को रिमूव करने के लिए कोई भी क्रीम की। तो देखिए, तिल जो है वो आप किसी भी सर्जरी से हटवाते हैं तो हट जाते हैं। सर्जरी से कैसे हटाया जाता है, जहाँ पर तिल होते हैं उस जगह को आपकी को निकाल दिया जाता है। बात करें तिल के यानी कि मोल्स के कारण की, तो ये क्यों होते हैं, जब स्किन के अंदर जो भी टिश्यूज़ होते हैं वो फैले रहते हैं पूरी स्किन में, और कभी कभी क्या होता है वो फैलने के बजाय अगर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो इन टिश्यूज़ को मेलानोसाइट्स कहा जाता है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में ये स्किन के ऊपर तिल का रूप ले लेते हैं, डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर के हो जाते हैं। कई केसेस में ये डार्क ब्लू कलर के या डार्क ग्रीन कलर के भी देखे गए हैं। और ये अगर आप सूरज की हार्मफुल रेसेस आपकी स्किन पर पड़ती हैं, आप सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करते हैं तो ये और भी ज़्यादा डार्क होते चले जाते हैं। साथ ही साथ प्रेगनेंसी में या जब भी जिस किसी भी उम्र में आपके हार्मोन इम्बेलेंस होने लगते हैं तब ये और ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। तो इसकी कोई भी क्रीम तो नहीं है, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो इस फहम में तो मत रहिए कि किसी भी क्रीम को यूज़ करने से सही होगा या किसी भी होम रेमेडी को। अगर आप इसका परमानेंट ही रिजल्ट चाहते हैं तो सर्जरी ही इसका रिजल्ट है। और सर्जरी के बाद अगर आपके हार्मोन इम्बेलेंस होते रहते हैं, आपकी स्किन में जो टिश्यूज़ हैं वो फिर उसके बाद भी इकट्ठा होते हैं, तो बाद में भी ये जो तिल हैं आपकी स्किन पर हो सकते हैं। सर्जरी से सिर्फ इतना है, उन तिलों को हटा दिया जाता है। मेरे भी एक रिलेटिव के फेस पर काफ़ी तिल थे तो उन्होंने सर्जरी से हटवा लिया था। उसके जो हटाने के बाद जो वाइट स्पॉट रह गए थे वो दवाइयों के जरिए ख़त्म हो गए, उसके बाद फिर उन्हें नहीं हुए, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होने नहीं हुए तो किसी को भी नहीं होंगे, वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी पर। परमानेंट सॉल्यूशन तो इसका यही है कि आप सर्जरी से हटवा लें। ये आपकी स्किन के अंदर से होते हैं तो आपको खुद समझदार हो, आपको समझने की ज़रूरत है, वो बाहर से कुछ भी यूज़ करने से नहीं ठीक हो सकते हैं। अगर फिर भी दो ऐसी टिप्स मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी जिससे अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कम तिल हैं या तिल होना ही स्टार्ट हुए तो वो कम हो सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको विटामिन सी अपनी स्किन पर यूज़ करना ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी क्रीम में यूज़ करें,
नॉर्मली पाउडर के रूप में यूज़ करें या फिर सीरम के रूप में यूज़ करें, या आपकी स्किन में जो मेलानिन है जो इकट्ठा हुआ है उसको कंट्रोल करेगी, यानी कि कम करेगी, जिसकी वजह से आपके जो तिल हैं वो कम होंगे और साथ ही साथ हल्के होंगे। दूसरी टिप्स यही है, आपको हमेशा रेगुलर सनस्क्रीन यूज़ करनी है, कम से कम SPF 50 की, चाहे आप घर में हैं या बाहर हैं। सनस्क्रीन नहीं यूज़ करेंगे जितने तिल हैं उनसे ज़्यादा पड़ेंगे और ज़्यादा गहरे होंगे। सनस्क्रीन यूज़ करेंगे तो सूरज की जो हार्मफुल रेसेज है वो आपकी स्किन को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी, जो मेलानिन है वो नहीं पड़ेगा और आपको तिल जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में से आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।